मेरा आपसे ये सवाल है कि कब्रिस्तान में सलाम करने का तरीका और हिकमत क्या है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। कब्रिस्तान में जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम दारा कौम मोमिनीन के साथ जो है वो सलाम करते हैं, कि एक तो ये उसलूब है कि ये अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर के अल्फाज भी हमारे यहाँ मुरव्वज हैं। देखें, इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अगर आप और मैं गौर करें ना कि इस्लाम सिर्फ जिंदों पर नहीं, आप कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो इस्लाम कहता है कि सलामती का पैगाम था, और हम जिंदों को भी माफ़ नहीं करते। और इस वक्त जो अलमनाक पहलू हमारे यहाँ सामने है ना, अल्लाह का घर हमने महफूज रहने दिया है, ना जो है वो मज़ारात महफूज रहने दिए हैं, ना मसाजिद महफूज रहने दिए हैं, ना इमाम बारगाह महफूज रहने दिए, और फिरका वारियत का एक जहर है जिसने हमें निगल लिया है, और इससे हम बाहर आने के लिए शायद तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में आग लगी थी तो हर किसी ने हिस्सा डाला है, किसी ने गफलत का मुजाहरा करके, किसी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके, किसी ने फिजिकल, किसी ने इन्वेस्ट करके पैसे दे के। अब इस घर में आग जो लगी है इसे बुझाना है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की जरूरत है। ऐ चश्मे शोला बार, जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। इससे ये पहलू तो कम अज कम वाजे हो जाता है कि इस्लाम तो वो दीन है कि कब्रिस्तान में भी जाएं तो कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, जो भी अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र, मरने वालों मेरी तरफ से तुम्हें सलामती का पैगाम है, और हर तरह की सलामती की दुआ दी जा रही है। और दूसरा इससे ये भी पहलू हमें मिलता है कि इस्लामी जो निज़ाम है वो ये नहीं है कि ईट ड्रिंक बी मैरी देन डाई, खाओ पियो मजे उड़ाओ और फिर मर जाओ, ये नहीं है। इस्लाम पूरे का पूरा निज़ाम है, ये दुनिया की जिंदगी है, इसी तरह कब्र की जिंदगी है, उसे बर्ज़खी जिंदगी कहा जाता है, फिर हशर की जिंदगी है, फिर फैसला होना है जन्नत या दोज़ख का। अब ऐसा नहीं है कि आदमी कब्रिस्तान में आप किसी को दफना के आते हैं तो वो खत्म हो जाता है, उसकी रूह जिंदा है। हदीस पाक में आता है कि जब किसी कब्र वाले का दर्जा बुलंद होता है ना तो वो पूछता है, परवरदिगार मेरी नेकियां तो नहीं है, ये दर्जा क्यों बुलंद हुआ है? तो इरशाद होता है कि तेरा बेटा पीछे था, उसने तेरे लिए इस्तिगफार किया है, तो उस वजह से तेरा दर्जा बुलंद हो गया है। और एक हदीस पाक में ये है कि बंदा जब कब्र में होता है तो उसकी मिसाल डूबने वाले की तरह होती है, जिस तरह डूबने वाला हाथ पैर मारता है ना, लोगों को बुलाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इसी तरह कब्र में आदमी होता है। तो उसको दुआओं की जरूरत होती है, इस्तिगफार की जरूरत होती है। मुख्तलिफ बातें इस हवाले से मिलती हैं। मसलन एक शेख हमाद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग है, वो कब्रिस्तान में बैठे थे और बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। नींद में देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं कब्रिस्तान में, मुर्दे यानी फौतशुदा लोग जो है वो उठकर कुछ चीजें चुन रहे हैं। तो आपने पूछा क्या कयामत कायम हो गई है कि कब्रिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, कयामत कायम नहीं हुई, हुआ ये है कि एक बंदा खुदा गुजरा था, उसने सूरह इखलास एक मर्तबा पढ़कर जो है वो कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब किया था, तो उसमें इतना खुलूस था कि पूरा साल हो गया है और लोग उस सवाब को चुन रहे हैं। तो ये बड़ा अहम पहलू है, आप कब्रिस्तान में जाएं तो गफलत के साथ ना जाएं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बात को सुन रहे हैं, वो पहचानते हैं, वो जिंदगी और है, उसे बर्ज़खी जिंदगी कहा जाता है, वो गाफिल नहीं है। हदीसे पाक में यहां तक आता है कि आप जो है वो कब्र के ऊपर पांव ना रखें, मना किया गया है, इसीलिए कहा जाता है अंगारा अंगारे पर पांव रखने के मुतरादिफ है। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी है, एक शख्स टेक लगा के बैठा था कब्र के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिब कब्र को तकलीफ ना दो। तो पूरी की पूरी जिंदगी है, वहां पर निजाम है, इसलिए वहां पर जाए तो अस्सलाम वालेकुम कहें। इससे यह भी पता चलता है कि जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे वालदैन हमसे जुदा हो गए, इसका यह माना नहीं है कि वो फना हो गए, उनकी जिंदगी है, वो महसूस करते हैं, वो पहचानते हैं, वहां जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम कब्रों पर जाएं और उस वक्त रोएं और माफियां मांगें, जिंदा वालदैन की कदर करनी चाहिए। रिश्तों नातों के तकद्दस को समझने की जरूरत है, और माँ बाप से और रिश्तेदारों से सिला रहमी जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसी ज़िंदगी में अपना लें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए अगली ज़िंदगी की राहें जो हैं वो आसान कर दें।